प्रोस्टेट की बीमारी होने पर पुरुष भाइयों, आप लोगों को ना कुछ एक ऐसी खान पान की चीज़ें हैं ना, उनको बदलना पड़ेगा। आप यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप उनको खाना बंद नहीं करेंगे ना, आप चाहे दवाई कितनी भी महंगे से महंगी ले लीजिए, आपको 1% फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बाई चांस, बाई लक, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपको फ़र्क पड़ गया, तो दोबारा प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ेगा। तब आप लोग क्या करेंगे? आप ये नहीं सोचते ना, आप लोग ये नहीं सोचते कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, आज दोबारा बताने की मैं कोशिश करता हूँ। उनको अगर आप खाना बंद नहीं करेंगे ना भाइयों, मैं आपको बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ आप लोगों की। हो सकता है कुछ लोग मेरी उम्र से बड़े हैं, कुछ लोग मेरी उम्र के होंगे या मुझसे कम उम्र के होंगे। देखिए, आप लोग इन बातों को समझ जाइए, क्योंकि जब प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स होंगी ना, तब रात को सो नहीं पाएंगे चैन से, पेशाब बार बार आएगा ना, तब आप लोग ये सोचते हैं दवाई तो हम बहुत महंगी खा रही हैं। यार ये दिक्कत क्या, दवाई से असर क्यों नहीं हो रहा? दवाई भैया असर कर रही है, चाहे अंग्रेजी, चाहे आयुर्वेदिक, चाहे आप देसी या होम्योपैथी, दवाई असर करती है। लेकिन आप परहेज़ उन चीज़ों को नहीं करते हैं जो नहीं खानी है, जो जहर का काम करते हैं प्रोस्टेट की बीमारी में, इसलिए आपको दवाई से असर नहीं होता है। फिर आप लोग यहाँ वहाँ भटकना चालू करते, कभी ये करेंगे, कभी उसके पास, कभी ये कभी ये। अब उन चीज़ों को आपको समझना, जो वो बताने वाला हूँ, डायरी पे एक, उस पर सारी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा जो आपने नहीं खानी है, नहीं तो फिर प्रोस्टेट कैंसर होने में समय नहीं लगता है भाई। सिंपल सी बात मैंने बता दी। अच्छा, अब बिना समय गए उन चीज़ों को नोट कर लीजिए डायरी पर, क्या नहीं खाना और क्या खाना है, वो भी बताऊँगा, दोनों चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहली चीज़, अगर आपको प्रोस्टेट की बीमारी, इसमें अगर आप लोग सैचुरेटेड फैट्स का सेवन करेंगे, सैचुरेटेड फैट्स किन चीज़ में होते हैं ज़्यादा? डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, घी, मक्खन, पनीर, इन सब दूध से, यानी कि हर तरह का दूध से बना उत्पाद, उसमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ये आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे बहुत ज़्यादा। आप इस बात को पता नहीं, ऐसे मजाक में लेते हैं, समझते नहीं हैं, सीरियस नहीं हो रहे हैं, कि आप जब तक दूध से बनी चीज़ें खाना बंद नहीं करेंगे भाई। एक बात सुनिए, खैर अब क्या सुनाना, बहुत लंबी वीडियो है, आप नहीं देखते हैं लंबी वीडियो। अब इतना मैंने बता दिया, इस बात को मान जाओ, बस आपके लिए इतना ही जरूरी है, वो आप समझ जाओ। दूसरा, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक और खट्टी चीज़, ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने नहीं खानी है। सफ़ेद चीनी की जगह गुड़ या शक्कर यूज़ कर लीजिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और सफ़ेद नमक की जगह सेंधा नमक या काला नमक आप लोगों ने यूज़ करना है। बात को समझे कि नहीं समझे? और खट्टी चीज़ों को मैंने खाने से क्यों मना किया? खट्टी चीज़ कोई भी हो सकती है, किसी भी तरह की खट्टी चीज़ या खट्टा फल। क्यों? क्योंकि खट्टी चीज़ों का सेवन करने से स्वेलिंग बढ़ती है, इन्फ्लेमेशन, सूजन बढ़ती है, दर्द बढ़ती है। आप लोग गौर करना, जब कभी आपको घुटनों में दर्द होती है, जैसे मानो मुझे यहाँ पे, मेरे यहाँ पे कंधे में दर्द है, अगर आप खट्टी चीज़ें खाएंगे, इवन तक अगर आप लोग चावल भी खाएंगे ना ठंडी प्रकृति की, तो आपको दर्द बढ़ेगी। आप दवाई भी खाओ लेकिन दर्द बढ़ेगी। कहीं पर भी अगर शरीर में सूजन है तो खट्टी चीज़ें खाना निषेध होते हैं। मैं अपने आयुर्वेद के अनुसार बता रहा हूँ, आपको खानी, आप खाते, वो आपकी मर्जी है। खट्टी चीज़ें नहीं खाते, सूजन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर इंक्रीज कर देती है। ये एक गलती, बात को समझ जाइए। दो आपने आपको दो ऐसी गलती जो आप हर दिन करते हैं। तीसरी, चाय और कॉफ़ी आप पीना बंद नहीं करते। आप लोग सोचते दिन में एक कप पियेंगे, एक कप से क्या होगा? आप लोग सोचते हैं एक कप से क्या होगा, भैया एसिडिक नेचर की होती है चाय और कॉफ़ी, एसिडिक नेचर समझते हैं, जो पित्त को बढ़ाएंगी, पित्त को बढ़ाएंगी ये दोनों चीज़ें, तो पेशाब में जलन होगी, पेशाब रुकेगा। आप नहीं समझ रहे सब बातों को, मैंने बेसिक आपको आपकी मिस्टेक्स बताई जो आप हर दिन गलतियां करते हैं, छोटी छोटी। ये बहुत बड़ी गलतियां नहीं है, लेकिन गलतियां छोटी से, लेकिन इनका भुगतान बहुत ही बड़ा होता है मेरे भाई। आप अभी भी इसमें आप समझ सकते हैं, अभी इसमें आप लोगों के पास समझ आइए। अब ये तो आप लोगों को समझ आया होगा मैंने क्या कहा, समझ गए, समझ आए ना कि नहीं समझे? बस वही कहावत फिर लागू होगी, फिर उसमें क्या कर सकते हैं। अभी समय है, आप लोग परहेज करिए। इसके बाद आता है किसी भी तरह की मिर्च और मसाले से युक्त चीज़ का सेवन करना, हरी मिर्च, लाल मिर्च, इसका गर्म मसालों का सेवन करना, मीट, अंडे खाना, कोई मछली खा रहा है, कोई मुर्गे का मीट खा रहा है, कोई बकरा खा रहा है, वो मेरे भाई थोड़ा
अभी भी समय है, समझ जाओ, बाद में रोओगे ऐसे सर पे हाथ रख के, तब कुछ नहीं होने वाला। तब ये मेरी वीडियो भी देख रहे हैं, उसमें कोई मतलब ही नहीं होगा, वीडियो देख कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें जो घरेलू उपाय जो बताऊंगा वो भी कर ले, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं हर वीडियो बोलता हूँ, जो बंदा स्ट्रिक्टली प्रिकॉशंस लेता है, जो डाइट प्लान मैं बताता हूँ वो लेता है, जो परहेज़ करता है उसको असर देगा। मैं तो बता रहा हूँ, घरेलू उपाय की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। जो आप दवाई ले रहे हो वो दवाई ही असर कर देगी, लेकिन साथ में परहेज कर लेना। समझे नहीं समझे आप लोग? चाहे अंग्रेजी ले रहे हो, देसी ले रहे हो, आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हो, होम्योपैथिक कोई भी दवाई ले रहे हो, परहेज जो बताइए कर लोगे ना, वही दवाई असर कर देगी। घरेलू उपाय जो बताऊंगा करने की जरूरत है ही नहीं, पड़ेगी नहीं। हर बंदा आपको राय अच्छी देता है, हर डॉक्टर आपको राय अच्छी देता है, लेकिन आप लोग बस परहेज नहीं करते। अगर आपको परहेज बता भी दिया आपके डॉक्टर ने, आप परहेज प्रिकॉशंस लेंगे ही नहीं। वो चलता है कभी कभार, अब थोड़ा आराम है, पहले से पेशाब हमें ज़्यादा तो नहीं आ रहा, रात को सो रहे हैं चैन से, प्रोस्टेट का भार हमें लग रहा है पेशाब कम आ रहा है, तो मतलब प्रोस्टेट का भार भी कम हो रहा है, साइज भी कम हो रहा है। फिर आप लोग होता है दिन में दे दो, कोई बात नहीं, एक आधा कप पी लेंगे चाय का। भाई समझ जाइए, ये मुझे हंसी आ रही है, छोटी सी बातें होती हैं और बहुत बड़ा आपको हर्जाना देना पड़ेगा इस छोटी इन छोटी सी गलतियों का। बात को अभी भी समय है, अभी भी समय नहीं गया है, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी संभल जाइए। और अब बात आती है क्या खाना है। यू हैव टू टेक जिंक कंटेनिंग फूड आइटम्स। आप लोगों को उन सभी चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में खाना जिनमें जिंक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पालक का जूस पीजिए, पालक की सब्जी खाइए, समझे कि नहीं समझे? पालक की सब्जी खाइए, पालक का जूस इस्तेमाल कीजिए। देखिए मैं हर वीडियो में अपनी बातों को बहुत ज़्यादा रिपीट करता हूँ, 3 से 4 बार रिपीट करता हूँ, ताकि आपको एक बार ना समझा दूसरी बार चाहे समझ तो आ जाए। आप समझने वाले बनो, मैं तो 1000 बार समझाने को तैयार हूँ, कोई इशू नहीं है। कद्दू के बीज का इस्तेमाल, किसमें जिंक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये एक सबसे बेस्ट चीज़ है। जिंक सबसे बेस्ट एक ऑप्शन है प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने का, 100 हज़ारों लाखों साल तक, यार जब तक जियोगे आप लोग। समझे कि नहीं समझे? दूसरा, आप लोगों ने वो सभी फूड आइटम्स ज़्यादा लेने जिनमें एक इंग्रेडिएंट लाइकोपीन पाया जाता है। लाइकोपीन आपके अंगूर में होता है, वाटरमेलन में होता है और टमाटर में होता है सबसे ज़्यादा। आप चाहे टमाटर खा लो, चाहे आप वाटरमेलन यूज़ कर लो, या इसके अलावा अंगूर खाइए। तीसरा, ब्लूबेरीज या क्रैनबेरी जूस का इस्तेमाल। देखिए क्रैनबेरी जूस आप पीजिए, ब्लूबेरीज का जूस पीजिए, लेकिन एक बात यहाँ पर थोड़ा सा प्रिकॉशन है कि क्रैनबेरी जूस आपको नहीं पीना है, स्पेशली अगर आप कोई खून को पतला करने वाली कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई दवाई ले रहे हैं, ब्लड थिनर टैबलेट्स ले रहे हैं, तो आपको क्रैनबेरी जूस का इस्तेमाल नहीं करना। अगर चाहते हैं करना तो अपने डॉक्टर से आप लोग कंसल्ट करना कि हम पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं। यहाँ वहाँ की वीडियो सुन के, बातें सुन के कोई ऐसे गलत काम नहीं करना है आप लोगों ने कि आपको लेने के देने पड़ जाएं। चाहे मैं ही बताऊँ, नो, हमेशा कंसल्ट जरूर करना। वहम हो तो कभी भी कोई उपाय या कोई दवाई लेना नहीं, पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना। चौथा, जब भी आप रात को सोएंगे ना, जब भी आप रात को सोएंगे तो आप सोने से पहले एक काम ज़रूर करना कि 3 घंटे पहले, अगर आप रात को 10 बजे सोते हैं तो 7 और 10 बजे के बीच पानी पीना बंद कर दो। पानी ज़्यादा पियेंगे तो रात को पेशाब और बढ़ेगा, दिक्कत होगी, सो नहीं पाएंगे चैन से। अच्छा, इसके बाद पांचवा जो पॉइंट है वो है, आप लोगों ने जिनको भी प्रोस्टेट की समस्या है उनको ये चीज़ पर डे खाना शुरू कर देनी है, आज से अभी से, आज से और अभी से। तुलसी टी, तुलसी की चाय पीना आज से अभी से शुरू कर दीजिए। तुलसी में एंटी बैक्टीरियल गुण है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी वायरल गुण है। कुछ कम उम्र में प्रोस्टेट की बीपीएस तो नहीं होता, लेकिन प्रोस्टेटाइटिस की समस्या होती है, तो प्रोस्टेट में इन्फेक्शन को आपको असर देखने को मिलेगा प्रोस्टेटाइटिस में, अगर आप पर डे तुलसी की चाय पीते हैं। आप समझ रहे कि नहीं समझ? देखिए ये सब देसी चीज़ें हैं, हाँ तो मैं मानता हूँ थोड़ा समय लगता है, पेशेंस धैर्य रखना पड़ता है। वैसे तो यार मेरी वीडियोस पे व्यूज़ थोड़ी आ रहे, मैंने भी तो पेशेंस रखा है, उसी तरह आप लोगों को पेशेंस रखना है। असर दिखने में समय लगेगा, जादू की छड़ी घुमा के कोई असर नहीं होने वाला है। ये फिल्मों मूवीज़ में होता है कि जादू की छड़ी शक्ल का बूम बूम किया और एकदम से वो चीज़ें हो गई, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा परहेज प्रिकॉशंस के साथ पेशेंस।
पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज़्यादा पेशेंस रखेंगे उतना ज़्यादा आपको असर प्रोस्टेट क्या प्रोस्टेट की जुड़ी हर एक समस्या में आपको मिलेगा असर देखने को। लेकिन प्लीज़ हैव अ पेशेंस, धैर्य रखिए, तब असर देखने को मिलेगा। क्या खाना है क्या नहीं खाना है मैंने आपको बता दिया। अगर आप लोग इन दोनों स्टेप्स को फॉलो करेंगे, फूड्स टू ईट और फूड्स नॉट टू ईट इन प्रोस्टेट प्रॉब्लम, तो आप लोगों को असर जरूर देखने को मिलेगा। देखिए, परहेज़ करने से 50% बीमारी अपने आप ही कंट्रोल हो जाती है। 50% बहुत बड़ी बात है यार, परहेज़ करने से। बाकी जो 50% बची वो आपकी दवाई जो आप ले रहे हैं, अंग्रेजी, आयुर्वेदिक, देसी, कोई भी होम्योपैथिक, वो ठीक कर देगी, क्या इशू है। लेकिन परहेज़ मेरे भाई, परहेज़ ज़रूरी है। और साथ में बटरफ्लाई योगासन, कीगल एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। कीगल एक्सरसाइज है जिससे आपकी जो पेल्विक मसल्स हैं स्ट्रांग रहेंगी, उम्र बढ़ने के साथ कमज़ोर होती है, वो स्ट्रांग ताकतवर रहेंगी। अब मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि अगर आपको प्रोस्टेट की समस्या हो चुकी है, 40-50 ग्राम इवन 100-100 ग्राम तक अगर आपका भार है, तो आपको परहेज़ कर लो, जो खाना है वो भी मैंने बता दिया। अब बात आते हैं घरेलू उपाय, होम रेमेडी क्या है। देखिए, मैं हर वीडियो में एक ही बात आपको रिपीट करता हूँ हर एक वीडियो में, कि भैया गोखरू से बेस्ट, गोखरू की छाल का काढ़ा और कंचनार की छाल काढ़ा, इन दोनों से बेस्ट यूरिनरी प्रॉब्लम्स के लिए और प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए बेस्ट कुछ नहीं है। जड़ी बूटी हर्ब्स की में सबसे बेस्ट हर्ब्स हैं ये दो, लेकिन ये भी असर तभी देती हैं कि अगर आप परहेज़ करते हैं तो। यहाँ तो आपने बढ़िया बढ़िया काढ़ा बना लिया है गोखरू का, गोखरू की छाल का, कंचनार की छाल का, लेकिन साथ में उस तरफ से डेयरी प्रोडक्ट, सैचुरेटेड फैट्स इनटेक बढ़ा दिए हैं, तो फिर काढ़ा बेकार है, उस काढ़े को फेंक दो, मत पियो। जो अपनी किस्मत है वो आप देखो। इसलिए बोलो परहेज़ ज़रूरी है मेरे भाई, समझो अभी भी इसमें आप लोगों के पास है, क्योंकि जब कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है प्रोस्टेट की समस्या, तो मेरे कहने की बात है ही नहीं, आपको खुद पता क्या होता है फिर। इसलिए आप लोगों से मैं दोबारा एक निवेदन करता हूँ कि सुधर जाइए, संभल जाइए, अभी इसमें थोड़ा सा संभल जाइए, खान पान में बदलाव कर दो, गलत फल चीज़ें मत खाओ, अभी भी समय है, अभी भी समय आप लोगों को बहुत समय है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय है। एक महीना करके परहेज देखो यार, आपको मेरे कहने की बात पता चल खुद ही पता चलेगा ना यार। मैं तो कुछ बोलूँगा नहीं, मैं तो पैसे भी ले रहा हूँ आप लोगों से, फ्री में बता रहा हूँ, ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे, वो परहेज़ कर लो, आपको खुद पता चले। घरेलू उपाय आपको पता ही है क्या मैंने बताया, बस वो काढ़ा पी लो। अब ज़्यादा और क्या समझाऊँ आप लोगों को, वीडियो आप देखते नहीं हो पूरी। मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कीजिए, बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।